लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का बहुत ही टक्कर का मुकाबला होने वाला है। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहता है वो सिर्फ 160 के आसपास होता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़े रन लगते नजर नहीं आएंगे। प्लेइंग 11 होगा एलएसजी की तरफ से केएल राहुल, कायल मेयर्स, दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, मार्कस टॉयनिस, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, कृष्णप्पा गौतम, मार्क वुड, रवि बिश्नोई और जयदेव उन्नाटकट। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वहां आपको दिखेंगे मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, कप्तान ईडन माक्रम, ग्लेन फिलिप्स, अब्दुल समाद, वॉशिंगटन सुंदर, आदिल राशिद, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन। अब मैं बता देता हूं कि ड्रीम 11 में क्या संभावना है, क्या टीम आपको चुननी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेंगे विकेट कीपर की। ग्लेन फिलिप्स विकेट कीपर आप चुन सकते हैं, अच्छी विकेट कीपिंग इन्होंने करी थी, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, बैट से रन भी निकाल सकते हैं कुछ, और न्यूजीलैंड के लिए अक्सर इन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं। फिर कप्तान आप किसको बनाए, कायल मेयर्स बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है, दो मैचों में लगातार रन बनाए हैं इन्होंने और तीसरे मैच में भी ये रन बनाने को देखेंगे। इनकी फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे कप्तान होंगे। वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, निकोलस पूरन को आप वाइस कप्तान चूज कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में धुआंधार बैटिंग करने की इनको आदत है और ये अच्छे रन बनाएंगे, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की जो आप अपनी टीम में रखेंगे। मयंक अग्रवाल को आप शामिल कीजिए, केएल राहुल को शामिल कीजिए, माना कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है बट फॉर्म पकड़ने में वो टाइम नहीं लगाते, और राहुल त्रिपाठी को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में आपकी फैंटेसी 11 में आदिल रशीद की तरफ आप देख सकते हैं, रवि बिश्नोई को आप ऐड कर सकते हैं अपनी फैंटेसी 11 की टीम में। कृष्णप्पा गौतम ये बल्लेबाजी भी करेंगे, गेंदबाजी भी करेंगे, तो बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकते हैं आपकी फैंटेसी 11 टीम के लिए। और उमरान मलिक को भी आप ज़रूर शामिल करें, उनके पास तेज़ रफ्तार है, और साथ आप अपनी प्लेइंग 11 की फैंटेसी टीम में टी नटराजन को भी डालें। ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेंगे, तो उसके पॉइंट से आपको फ़ायदा हो सकता है।